हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के बीच सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा, यानी कि हरियाणा सरकार में जो गठबंधन है, जो गठबंधन की सरकार है यानी कि बीजेपी और जेजेपी, इनके बीच सब कुछ ठीक नहीं है। हाल ही में हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी को लेकर एक बयान दिया था, जिसके बाद अब बीजेपी की तरफ से हरियाणा के प्रभारी बिप्लव देव ने पलटवार किया। बिप्लव देव ने जेजेपी और दुष्यंत चौटाला पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर जेजेपी ने उन्हें समर्थन दिया है तो कोई एहसान नहीं किया, और इसके बदले में उन्हें यानी कि जेजेपी को मंत्री पद भी दिया गया है। उन्होंने गठबंधन को लेकर कहा कि अभी तक सरकार चल रही है, निर्दलीय विधायक भी हमें समर्थन दे रहे हैं, और इससे पहले बीजेपी को लेकर दुष्यंत ने कहा था कि ना तो मेरे पेट में दर्द है और ना ही मैं डॉक्टर हूँ, मेरा काम अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करना है। आपको बता दें कि इससे पहले हरियाणा के बीजेपी प्रभारी बिप्लव देव ने बीजेपी की प्रेमलता को उचाना सीट से अगला विधायक बताया था, जबकि वर्तमान समय में इसी सीट से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला विधायक हैं। पिछले विधानसभा के चुनाव में इसी उचाना सीट से जेजेपी उम्मीदवार के तौर पर दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी की उम्मीदवार प्रेमलता को हरा दिया था, और अब इसी को लेकर ये बयानबाजी अब दोनों दलों में खींचतान की एक वजह बनती हुई दिखाई देती है। इसके अलावा बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन में भी जेजेपी के खिलाफ जमकर निशाना साधा गया, हालांकि कहीं भी नाम लेकर टारगेट नहीं किया गया। आपको बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में माफिया अतीक अहमद और अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या को लेकर खुद दुष्यंत चौटाला ने सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि ये कानून व्यवस्था का उल्लंघन एक गंभीर मसला है। उन्होंने कहा था कि ये घटना बहुत गंभीर है, और इसकी चूंकि पुलिस की सुरक्षा के बीच दोनों की हत्या हुई तो इस मामले में जांच होनी चाहिए, जो जिम्मेदार हो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। यानी कि जो सुर हैं बीजेपी और जेजेपी के, वो एक लय में बंधते हुए नजर नहीं आते, और इसीलिए कहना पड़ता है कि दोनों में सब कुछ ठीक नहीं है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे और वीडियोज के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल आज तक।